हेलो 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 दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पार्ट टू के वीडियो में। आज मैं आपको इस chess.com के फ्यूचर्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से chess.com को डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करना है, प्ले बटन पे क्लिक करना है। एंड देन ऐसा कुछ प्ले स्टोर की स्क्रीन ओपन होगी आप सभी के सामने। फिर यहाँ पे आपसे पहले हम देखेंगे chess.com में आईडी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें राइट साइड के टॉप पे जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है उस पे हमें जाना है एंड साइन अप पे क्लिक करना है। एंड अगर आपको बिल्कुल भी चेस खेलना नहीं आता तो न्यू टू चेस, थोड़ा बहुत आता है तो बिगिनर, और अच्छा चेस आता है तो आप इंटरमीडिएट, और अगर चेस में एक्सपर्ट है तो एडवांस पे क्लिक करिए। तो सबसे पहले हमें बिगिनर्स पे हम क्लिक करते हैं जो भी न्यू है, एंड कंटिन्यू। एंड आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम रखना है। यूज़र नेम में आप अपना नाम एंड नंबर्स भी रख सकते हो, अंडर स्कोर भी रख सकते हो। जैसे इस नाम का कोई भी नहीं है chess.com में, ये यूज़र नेम अब हम रख सकते हैं। तो कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें अपनी ईमेल एंड पासवर्ड देना है। ईमेल पासवर्ड होने के बाद हमें कंप्लीट हमारी आईडी बन जाएगी। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हो जाने के बाद हमें कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करना है। फिर हमारी आईडी पूरी तरह से बन जाएगी, कंप्लीट साइन अप। ओके, वेलकम टू chess.com, चूज योर चेस बोर्ड एंड बैकग्राउंड थीम। जो आपका चेस बोर्ड एंड बैकग्राउंड थीम परफेक्ट लगता है, स्टैंडर्ड इज बेस्ट, सो कंटिन्यू करते हैं। हमारी आईडी बन गई। सो गाइस, आईडी बनने के बाद कुछ ऐसा लुक दिखेगा chess.com का। यहाँ पे पजल्स सॉल्व कर सकते हो आप, कुछ लेसन्स देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ओपनिंग सारे सारे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं। chess.com में आईडी बनने के बाद हमें अपनी बनानी है प्रोफाइल। तो चलिए हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। मोर पे हमें क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। मैंने अपनी प्रोफाइल ऑलरेडी बना दी है तो मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। एडिट पे क्लिक करना है। आपको यूजर नेम हमारा चेंज नहीं हो सकता, तो फर्स्ट नेम, जैसे ऐसा कुछ स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अदर लैंग्वेज रख सकते हो, जैसे इंग्लिश सेलेक्ट लैंग्वेज, आप हिंदी रख सकते हो, मराठी, नेपाली, तमिल, बंगाली, गुजराती, जो इंडिया में जो लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शन, उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज रख सकते हो। एंड प्रोफाइल पिक्चर भी रख सकते हो आप, टेक फोटो या चूज फोटो। फर्स्ट नेम राकेश, लास्ट नेम आप अपनी सरनेम जो भी आप रखो, एंड लोकेशन रखना रखो, एंड डन। प्रोफाइल बन गई हमारी एंड ये हो गई हमारी रेडी प्रोफाइल। हम गेम खेलेंगे तो हमारे प्रोफाइल के नीचे गेम्स हमारे शो होंगे, फ्रेंड्स शो होंगे हमारे। प्रोफाइल बनने के बाद आपको आना है मेन स्क्रीन पे, फिर आपको क्लिक करना है न्यू गेम पे। यहाँ पे आप टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो, प्ले फ्रेंड खेल सकते हो, कंप्यूटर के साथ खेल सकते हो, एंड कस्टम गेम पास एंड प्ले भी आप प्ले कर सकते हो। पहले देखते हैं हम कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत सारे बोर्ड्स हैं, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस, मास्टर प्लेयर, स्टीमर्स, टॉप प्लेयर्स। टॉप प्लेयर्स के साथ आप खेल सकते हो। इसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी तभी आप खेल पाओगे इन सभी बोर्ड्स के साथ। कुछ बोर्ड्स फ्री है तो हम उनके साथ खेल सकते हैं। तो आइए कुछ और देखते हैं हम। जैसे आपको 3 मिनट खेलना है, 5 मिनट खेलना है, तो 10 मिनट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे 3 मिनट है, आप ये भी क्लिक कर सकते हो, उस पर क्लिक किया। और अगर आपको मान लो 40 मिनट खेलना है तो आप क्लिक कर सकते हो मोर टाइम कंट्रोल्स पे। नीचे आपको आना है, यहाँ पे कस्टम दिख रहा है, आपको इनिशियल टाइम पे जाना है और आपको यहाँ पे 40 मिनट सेट करना है। और कुछ एक्स्ट्रा सेकंड भी चाहिए तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर आपको गेम पे सेलेक्ट कर देना, फिर प्ले पे क्लिक करना।
कुछ सेकंड वेट करना है, अपोनेंट आ जाएगा। अब वैसे ही हम टूर्नामेंट में आते हैं, टूर्नामेंट्स में आए, टूर्नामेंट्स लाइव एंड डेली। लाइव में 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रिपीट, बहुत सारे यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। पर हार में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी एक टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो अगर आपको दूसरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए हम डेली ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आप टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। ये टूर्नामेंट्स 3 डे पर मूव, 1 डे पर मूव होता है। ये टूर्नामेंट्स बहुत लंबे चलते हैं। अभी chess.com के बाजू में साइड आपको लेफ्ट क्लिक करना है की पे, और यहाँ पे आपको सोशल में आना है। तो मैं अभी आपको बताऊँगा क्लब कैसे ज्वाइन करते हैं और फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले chess.com की लेफ्ट साइड की बटन पर क्लिक करना है। ऐसा सरफेस ओपन होगा, आपको सोशल पे क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिख रहे हैं, फ्रेंड्स, क्लब, फॉर्म्स, मेंबर्स, ब्लॉक्स, कोचेस। तो नंबर सेकंड आपको क्लब पे क्लिक करना है। हम बहुत सारे क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा आपके सामने ऐसा कुछ ओपन होगा। ये ऑलरेडी 3 क्लब्स है मैंने ज्वाइन किया, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्लब कैसे ज्वाइन करते हैं। तो नीचे आना एंड फाइंड ए क्लब पे सर्च करना है। जैसे यहाँ पे आप चेस लिखो एंड सर्च करो। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब आ गए हमारे सामने स्क्रीन पे। जैसे यूएस चेस में आपको ज्वाइन करके बताऊँ, यूएस चेस एंड इस पर क्लिक करना प्लस पे। यू हैव बीन एडिड टू दिस क्लब, हैव फन। ये क्लब की इंफॉर्मेशन है, क्लब के बारे में, और क्लब में अपकमिंग टूर्नामेंट्स में टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे chess.com इंडिया है, क्लब है, आप सर्च करोगे, वो ज्वाइन करोगे, उसमें हर संडे रात को 8 बजे टूर्नामेंट्स होते हैं। अगर आप उसमें फर्स्ट आओगे तो आपको डायमंड मेंबरशिप मिलेगी। एंड जैसे मैं आपको बता दूँ, chess.com इंडिया मैंने एक क्लब ज्वाइन किया ऑलरेडी। अपकमिंग इवेंट्स, अभी तो कोई इवेंट्स नहीं है, हो चुके ऑलमोस्ट। अगर कोई क्लब लीव करना है तो आपको एकदम जो कोई भी क्लब है उसके नीचे जाना है। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और लीव क्लब पे क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा, लीव क्लब, आर यू श्योर यू वांट टू लीव। तो आपको लीव करना है तो लीव पे क्लिक कर देना, नहीं करना तो कैंसिल कर देना एंड सेव। ऐसा कुछ सरफेस आ जाएगा, फिर आपको आइडिया आ गया क्लब कैसे ज्वाइन करते हैं। एंड देन वेट, फिर से chess.com की लेफ्ट साइड की बटन पे क्लिक करना है और सोशल पे क्लिक, फ्रेंड्स पे क्लिक करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं chess.com में। यहाँ पे फाइंड फ्रेंड और इनवाइट फ्रेंड, इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक किया। अगर आपका कोई फ्रेंड है उसकी ईमेल आपको मालूम है, यहाँ पे टाइप कर दो ईमेल और उस इनवाइट बटन पे क्लिक कर दो, तो उससे वो रिक्वेस्ट आपके फ्रेंड के पास पहुँच जाएगी और आप लिंक भी शेयर कर सकते हो, जिसे वो लिंक व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, जिससे वो लिंक को क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स बन जाओगे। और क्या ऑप्शन हम देखते हैं, फाइंड फ्रेंड पे क्लिक किया आपने, रिसेंट अपोनेंट जिसके साथ खेला वो आ जाएगा, रिकमेंडेशन, ये बहुत सारे आप यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे कि आप इन इनको फ्रेंड बना सकते हो। यहाँ पे प्लस का बटन दिख रहा है, इन पे आपको क्लिक कर देना, इनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी और वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारे पास मैसेज में आ जाएगा कि एक्सेप्ट हो गई है फ्रेंड रिक्वेस्ट। नीचे जाना है, आप लोग ग्रैंड मास्टर भी फ्रेंड्स बना सकते हो। हम और ऑप्शन चेक करते हैं, आप कैसे कैसे फ्रेंड्स बना सकते हो। पहले तो हमें बाहर आना है यहाँ पे और मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे जाना है, वॉच गेम पे क्लिक करना है। यहाँ पे टॉप गेम्स जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो खेलेंगे, तो आप उनके यहाँ पे गेम देख सकते हो, टूर्नामेंट्स आप वॉच कर सकते हो यहाँ पे। जैसे हमने टॉप गेम में आए, फिर जैसे हमने सेकेंड गेम सेलेक्ट किया, इंटरनेशनल मास्टर के बीच में चल रहा है, और जो इनकी प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है आपको उन पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है सेकंड फ्रेंड, एड फ्रेंड, सेकंड ऑप्शन में एड फ्रेंड, दिस यूजर इज नॉट एक्सेप्टिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट, एंड इस पे आना एड फ्रेंड। तो इनके पास हमारी रिक्वेस्ट पहुँच गई, इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करना और यहाँ पे एड फ्रेंड क्लिक करोगे, यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू एड दिस मेम्बर एज योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो इंटरनेशनल मास्टर के पास हमारी रिक्वेस्ट पहुँच गई है, हम ग्रैंड मास्टर को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ग्रैंड मास्टर भी हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं। इनकी प्रोफाइल पे क्लिक किया, ऐड फ्रेंड, फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हो, जैसे इनके नाम के आगे इनकी प्रोफाइल पिक्चर है, और जिनकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो आप इन पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है और ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, और जो यूज़र उनके पास हमारी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। और जैसे आप किसी के साथ खेल रहे हो, जैसे एग्जांपल आप किसी के साथ खेल रहे हो तो उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जैसे प्ले किया मैंने, ऐसे नॉर्मली दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये श्रीनू 22, इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ऐड फ्रेंड एक्सेप्ट, और यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो। चैट पे आए, चैट भी कर सकते हो। अभी आपको समझ में आ गया फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है और कहाँ कहाँ पे आप भेज सकते हो फ्रेंड रिक्वेस्ट, और फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी आपको समझ में आ गया फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, फिर मोर पे क्लिक करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स बनेंगे यहाँ फ्रेंड का जो ऑप्शन है आपको दिखेगा कि कौन कौन आपके फ्रेंड बने हैं। अभी फ्रेंड 2 बने हैं, हमारे 2 फ्रेंड्स बन गए, अभी इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हमारे इंटरनेशनल मास्टर। और यहाँ पे सजेशन है, हम इनको भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं और क्लब कैसे ज्वाइन करते हैं। तो अभी हम देखेंगे chess.com में पजल्स के फ्यूचर्स, हम पजल्स सॉल्व कर सकते हैं, डेली पजल सॉल्व कर सकते हैं, पजल रस, पजल बैटल एंड कस्टम, एक एक करके देखते हैं हम क्या है। फर्स्ट पजल्स पे क्लिक किया, स्टार्ट। तो अगर आपकी मेंबरशिप नहीं लिए तो आपको डेली 5 पजल्स फ्री मिलेंगे, मेंबरशिप लिए तो मेंबरशिप में गोल्ड में 25 पजल्स, प्लेटिनियम में अनलिमिटेड, डायमंड मेंबरशिप में अनलिमिटेड पजल्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही पजल्स आपको सॉल्व करते रहना है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डेली पजल्स, आपको यहाँ पे डेली 1 पजल्स फ्री मिलेगा, वो आपको सॉल्व करते रहना है। और पजल रल्स में आना है, यहाँ पे 3 मिनट, 5 मिनट और सर्वाइवल सॉल्व कर सकते हो आप। एंड पजल्स बैटल में आना है, पजल्स बैटल में आपके एक टाइम दिया होगा अपोनेंट के बीच में और आपके बीच में, एग्जांपल 3 मिनट, तो जो उसमें क्या, जो जितनी ज़्यादा पजल सॉल्व करेगा उसको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। कस्टम में आना है, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मेट इन 1, मेट इन 2, मेट इन 3, बिशप पेयर, वैसे वैसे जो आपको पजल्स चाहिए और जो आपका लेवल है यहाँ पे वो आप चूज कर लो और उस हिसाब से पजल सॉल्व करो। तो आपको पजल्स अभी तक जो मैंने बोला आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम पजल्स के राइट साइड लर्न ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 ऑप्शन है, लेसन्स, एक्सप्लोरर, एंड गेम, प्रैक्टिस, एनालिसिस। तो हम एक एक ऑप्शन को टच करते हैं और देखते हैं डीप में। तो सबसे पहला ऑप्शन है लेसन्स, उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप लेसन सॉल्व कर सकते हो, हाउ टू मूव द पीस, प्लेइंग द गेम, ओपनिंग प्रिंसिपल्स, कैप्चरिंग पीसेस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट, आप ये सब ऑलमोस्ट, अगर आपको सब लेसन्स देखना है तो आपको इसके लिए मेंबरशिप चाहिए, डायमंड मेंबरशिप, प्लेटिनियम मेंबरशिप एंड गोल्ड मेंबरशिप, सबकी ऑलमोस्ट प्राइस है अलग अलग, और कुछ वो लोग डे के हिसाब से, मतलब 1 वीक में कुछ मेंबरशिप 3 डे, 5 डेज लेसन्स देख सकते हैं हम वीक में। और जैसे आप एग्जांपल ओपनिंग प्रिंसिपल पे क्लिक किया तो यहाँ पे
सिक्स प्रिंसिपल्स है, आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हो, पर आपको सभी वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको मेंबरशिप चार्ज लेना पड़ेगा। फिर आपको आना है ऑल लेसन्स पे, यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे आपको, ग्रैंड मास्टर के, इंटरनेशनल मास्टर के, आप वो भी वॉच कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं एक्सप्लोरर, इसमें हम बहुत सारी ओपनिंग्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनका नॉलेज ले सकते हैं और उस ओपनिंग वेरिएशन में हम डीप में देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे e4 के अगेंस्ट c5 कितनी बार खेला गया, c5 के अगेंस्ट नाइट f3 कितनी बार खेला गया, नाइट f3 के अगेंस्ट d6 कितनी बार खेला गया, यह किंग्स पॉन ओपनिंग। एग्जाम्पल अभी मैं d4 खेलता हूँ, तो d4 कितनी बार खेला गया, d4 के अगेंस्ट नाइट f6 ऑलमोस्ट इतने लोगों ने खेला है। तो ऐसे हम ओपनिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड फ्लिप बोर्ड भी कर सकते हैं। रिफ्रेश, आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो ओपनिंग और सीख सकते हो। अभी हम देखते हैं एंड गेम्स, इम्प्रूव योर एंड गेम प्ले। अगर आपको एंड गेम में पजल सॉल्व करना है, अपना एंड गेम इम्प्रूव करना है, तो आप चेकमेट, पॉन, माइनर पीस, रुक, क्वीन, इम्बैलेंसेस पजल सॉल्व कर सकते हैं। रुक पे क्लिक किया तो विनिंग रुक, एंडिंग ड्रॉ रुक, एंडिंग रुक विथ पॉन्स, इस पे क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ आएगा, आपको सॉल्व करना है। 5 पजल्स यहाँ पे आपको रहेंगे सॉल्व करने, आप कितने मिनट में करते हो उस पे आप पे डिपेंड करेगा। एंड फिर आपको आना है प्रैक्टिस में, प्लान स्पेसिफिक पोजीशन, यहाँ पे आप टॉप पोजीशन सॉल्व कर सकते हो, ओपनिंग की पोजीशंस जैसे d4 गेम स्टार्ट वगैरह वगैरह, आप यहाँ पे देख सकते हो d4 के अगेंस्ट कौन कौन सी ओपनिंग प्ले हुई है, कौन कौन से गेम खेला गया है, और ड्रिल्स वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो, डिफेंडिंग पोजीशन सॉल्व कर सकते हो, अटैकिंग, एंड गेम फंडामेंटल, एंड गेम प्रैक्टिस, इम्बैलेंसेस पोजीशंस आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मास्टर गेम, ग्रैंड मास्टर गेम्स रहेंगे, क्लासिक गेम, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, आप यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो पोजीशन। जैसे क्लिक किया, कुछ फ्री है कुछ नहीं है, आप अपना लेवल सेट कर दो फिर आप सॉल्व कर सकते हो। अभी आप वाइट टू मूव, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे वैसे वैसे कंप्यूटर अपना मूव प्ले करता रहेगा, कुछ फ्री है कुछ फ्री नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी आप एनालाइज कर सकते हो आपने जो गेम खेला है वो, या आपने कोई दूसरी वेबसाइट पे खेला है उसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, उसका आप लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हो। एंड प्रीवियस गेम आपने कौन कौन से एनालाइज किए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यू एनालिसिस आप एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे, एंड आप पोजीशन सेट करके एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे। एंड आप तो गाइस अभी हम देखते हैं मेंबरशिप के बारे में, उनके टूल्स, उनके चार्जेस। प्ले बटन पे क्लिक किया, न्यू गेम के पास में आपको प्यारा सा डायमंड बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको 3 टाइप की मेंबरशिप दिखेगी, नंबर 1 डायमंड मेंबरशिप, नंबर 2 प्लेटिनियम, एंड नंबर 3 गोल्ड। तो अभी मेंबरशिप अपडेट हुई है, उनके प्राइजेस भी थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं कंपेयर टू कुछ मंथ पहले, इनके इतने प्राइस नहीं थे। जैसे गोल्ड के थे कुछ मंथ पहले 1000, प्लेटिनियम के 1 ईयर के थे 1800, एंड डायमंड मेंबरशिप के थे 3500। जो पहले से मेंबरशिप्स परचेस कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, उनको पता है। और मंथली गोल्ड मेंबरशिप के 199, प्लेटिनियम 349, एंड डायमंड 549। तो गोल्ड में पहले अगर आप देखोगे 3-4 मंथ बिफोर, तो जब गोल्ड में अभी आपको प्रोवाइड मिल रहा है अनलिमिटेड पजल्स, पहले आपको मिलते थे 25 पजल्स पर वीक, 3 लेसन पर वीक, अभी आपको मिल रहे अनलिमिटेड लेसन्स, अनलॉक ऑल बोर्ड्स।
नो वर्ड्स एंड प्लेटिनियम मेंबरशिप अनलिमिटेड ऑल गेम रिव्यू, जबकि आप गोल्ड में देखोगे अनलिमिटेड गोल्ड अनलिमिटेड गेम रिव्यू नहीं है, और प्लेटिनियम मेंबरशिप में गेम रिव्यू अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पजल्स, अनलिमिटेड लेसन्स, अनलॉक ओल्ड बोर्ड। तो प्लेटिनियम और गोल्ड मेंबरशिप में डिफरेंस इतना ही है कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड गेम रिव्यू मिल रहा है, जिससे आप अपनी गेम रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेगी आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। और वैसे हम डायमंड मेंबरशिप में देखें तो यहाँ पे अनलिमिटेड गेम रिव्यू, और प्लेटिनियम भी अनलिमिटेड गेम रिव्यू प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे कुछ टू न्यू पॉइंट्स ऐड किए हैं, अनलिमिटेड कोच एक्सप्लेनेशन, अनलिमिटेड इनसाइट। यहाँ पे आपको पर मूव में कोच का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जब आप एनालाइज करोगे कि आपकी मिस्टेक है नहीं है, पर मूव में कोच एक्सप्लेन करेगा आपको। अनलिमिटेड इनसाइट्स, अनलिमिटेड लेसन्स, अनलिमिटेड पजल्स, अनलॉक ऑल बोर्ड्स, नो एड्स। ये आप मेंबरशिप अपने हिसाब से बाय कर सकते हो, बट बेटर है प्लेटिनियम मेंबरशिप। ये आपको मैं बता दूं, मैंने ये जो आईडी है आप लोगों के लिए बनाई है न्यू पार्ट टू के लिए, और जो पार्ट वन है उसमें मैंने अपनी आईडी बताई है। उस आईडी में मैंने 1 ईयर की प्लेटिनियम मेंबरशिप परचेस की थी, तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, प्लेटिनियम मेंबरशिप बेस्ट है। आप वीक में जितने चाहो उतने लेसन देख सकते हो। पहले जब मैंने परचेस की थी उसमें ऐसा था कि वीक में आप 5 लेसन देख सकते हो, अभी जो मेंबरशिप है अपडेट उसमें बता रहे आप अनलिमिटेड लेसन देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं हमारी प्रोफाइल एंड मैसेजेस। तो सबसे पहले मोर पे क्लिक कीजिए गाइस, एंड प्रोफाइल पे देखते हैं हम, हमारी प्रोफाइल अपडेट हो गई है थोड़ी बहुत, नो गेम खेला है मैंने, फ्रेंड्स हमारे 4 फ्रेंड्स बने हैं, अवार्ड्स हमें अवार्ड्स मिले 22, पासपोर्ट्स मतलब हमने किस किस कंट्री के प्लेयर्स के साथ खेले हैं, क्या क्या ओपनिंग खेली है, और अचीवमेंट्स क्या है हमारे, क्लब मेंबर, सेकंड ओपिनियन, ब्लिट्स, बुलेट, ये सब हमारे अचीवमेंट्स हैं। तो चलिए अभी हम मैसेज का सीन क्या है हमारा देखते हैं। पहले फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स बन गए हमारे, अभी हमने मैसेज ओपन किया। तो ऐसा आपके पास मैसेज आएगा जैसे आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वो एक्सेप्ट करता है, तो हमारे पास ऐसा मैसेज आएगा, 4 मिनट को इन्होंने हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। एंड chess.com में मैसेज भेजेगा, अगर कोई क्लब, हम वैसे हम कोई क्लब पे क्लिक करेंगे तो हम ज्वाइन हो जाएंगे, और कोई क्लब पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, वो हमारी एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास मैसेज आएगा क्लब हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो चाणक्य चेस क्लब ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अवार्ड्स पे क्लिक करते हैं हम, हमने अभी कुछ देर पहले अवार्ड्स देखे, और अभी मैं आपको बताऊंगा हम आईडी लॉग आउट कैसे करते हैं और लॉगिन कैसे करते हैं। तो सेटिंग पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है एकदम नीचे, उस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पे लॉग आउट हो चुके हैं, अभी हमें अपनी प्रोफाइल नहीं दिखेगी। तो प्ले पे आना है, यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी हमारी यूज़र नेम है और पासवर्ड है हमें टाइप करना है। इतना हो जाने के बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है, और हम लॉगिन हो चुके हैं फिर से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।